यूएपीयू जिंदाबाद 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 यूएपी जिंदाबाद 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाय 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 भारत सरकार हाय 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 यूएपीयू जिंदाबाद 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 यूएपीयू जिंदाबाद 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 यूएपीयू जिंदाबाद 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 भारत सरकार हाय 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 भारत सरकार हाय 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 आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस, और बाहु एक्सप्रेस का हमेशा प्रयास रहता है कि तमाम खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं और तमाम मुद्दों को लेकर जो है बात की जाए, जिससे आम जनता परेशान है, जिससे आम पब्लिक परेशान है, और पूछा जाए सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के उन तमाम अधिकारियों से जो कुर्सी पर बैठ कर जो है फैसला लेना जानते हैं। एक बार मैं चाहूँगा नज़र दौड़ाई जाए, हाथों में ये बैनर है, वी अपोज प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, मौजूदा पॉलिसी धोखा है, बैंक बचा लो मौका है, और साथ ही साथ स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, ये साफ तौर पर देख सकते हैं, वी से नो टू प्राइवेटाइजेशन। तो इस तरीके से बैनर्स आपको हाथ में नजर आएंगे। हालांकि क्या है पूरा मामला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और क्यों आज तमाम अलग अलग बैंकों के एम्प्लॉय कह लो या फिर हम जनता की सेवक वाले नागरिक कह लो, क्यों आज मजबूर हैं बैनर्स पकड़कर और सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर हाथ में आपने पकड़ा है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, क्यों आज ये नौबत आन पड़ी, हालांकि इस समय आपको बैंकों में अपनी ड्यूटीज देनी चाहिए थी, आज आप बाहर हो और कह रहे हो कि हाँ भाई प्राइवेट मत किया जाए, चाहे शुरुआत ही हुई है, चाहे एक दो तीन चार बैंक का नाम आया है, आने वाले समय में और भी आ सकते हैं, क्या लगता है कितना नुकसान इससे आने वाले दिनों में होने देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आईबॉक का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, AIPNBOA का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे साथ में रविंदर अरोड़ा जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी आईबॉक हैं। हम UFBU के बैनर के अंडर ये रिमॉन्स्ट्रेशन आज हमने डिसाइड किया है, बैंक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके खिलाफ, जो कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश को लेके जाना चाहती है, हर चीज़ एयर इंडिया से लेके बैंक्स के लेके और हमारे जो भी PSUs हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सब उनको बेचा जा रहा है कॉरपोरेट से हाथ में। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहती है, जबकि PSU बैंक्स जो हैं उन्होंने थ्रू आउट द आज 1969 से लेके जब से बैंक्स नेशनलाइज हुए हैं आज तक, मतलब पूरे कंट्री के कोने कोने तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। एक गरीब से गरीब तबके का इंसान भी बैंक आने से पहले सोचता नहीं है कि मुझे कोई परेशानी आएगी या कुछ, क्योंकि उसको पता है जो अंदर बैठे हैं वो मेरी पूरी मदद करेंगे। गवर्नमेंट ने सारी जो पॉलिसीज़ हैं, जनधन योजना से लेके मुद्रा लोन हो या कोविड के दौरान में जो भी गवर्नमेंट ने डिस्पर्समेंट्स की हैं, जो अटल पेंशन योजना है, कोई भी जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है वो हम PSUs के थ्रू लागू कराई है, और 90% to 98% तक उसमें PSUs का हाथ रहा है। जैसे जनधन योजना के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी साहब हर जगह पे कहते हैं कि हमने 29 करोड़ खाता खोला है, तो 29 करोड़ में से जो है 28 करोड़ के करीब जो है वो PSUs ने खोला है, सिर्फ 94 लाख अकाउंट जो है वो प्राइवेट बैंक्स ने खोला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग कितना ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के साथ जुड़े हैं। आपका ऊपर एक सिर्फ इंडस्ट्री में पार्लियामेंट में बैठ के आप कहेंगे कि हम कॉरपोरेट्स को सब कुछ बेचेंगे, उसका आपके पास कोई वजह होनी चाहिए। आपको एक बात छोटी सी मैं बताना चाहूँगा, 4,36,000 करोड़ जो है वो लार्ज कॉरपोरेट्स का NPA है, जबकि अभी जो ये बैंक्स को बेच के बैंक गवर्नमेंट सिर्फ 1,75,000 करोड़ रुपया लेना चाहती है। तो आप देखिए, आप ऐसे रिफॉर्म्स बनाइए जिससे हम उन पर नकेल कर सकें। आपने जो ये बैंकरप्सी कोर्ट्स बनाए हैं उसमें आपने उनको बचाने के लिए बनाए हैं, ये आम जनता का पैसा है सब। आम जनता का पैसा है, आम जनता की अप्रोच है। हम PSUs कोई भी हम लोन दे रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम रेट्स पे, कोई मतलब चार्ज मैक्सिमम चीज़ें जो है वो चार्जेबल नहीं है, और गरीब के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम जीरो बैलेंस पे अकाउंट्स खोलते हैं। लेकिन वही चीज़ें प्राइवेट बैंक्स में अगर आप लार्ज कॉरपोरेट्स को हम लोग ये चीज़ बेच देंगे, तो हम अपने समझ लो कि हर एक जो रूट के एक जिसका 10,000 रुपया भी बैंक में बचा, हमने उसका पैसा भी स्टेक पे लगाया। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, कई बार हम 2-व्हीलर लेते हैं या 4-व्हीलर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी गवर्नमेंट बैंक से लेते, चाहे PNB से लें, हम JK बैंक से लें, हम किसी से भी लें, अगर सपोज कीजिए कहीं पर इन बैंकों से ली स्कूटी, अगर उसी अगर हमें पड़ता है सूट डालकर 1 लाख के आसपास पड़ती है, प्राइवेट बैंक से जब हम लेते हैं तो लगभग 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाती है, बहुत सी चीज़ें रहती है, हिडन चार्जेस रहते हैं, ये तमाम चीज़ें बैंकिंग की हैं। आगे चलते हैं सर, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और दूसरी तरफ प्राइवेट करना,
आपको लगता है ये दोहरी चीजें अपनाना, दोहरी नीति अपनाना, कहीं ना कहीं देश समझ नहीं पाता कि आप एक तरफ बात करते हो देश में विकास की, देश आगे बढ़े, वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप प्राइवेट करने जा रहे हो? ये करनी और कथनी में यही अंतर है, इनकी करनी और कथनी में यही अंतर है। मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, 1969 और 1980 में ये बैंक्स जो हैं नेशनलाइज हुए थे विद द मोटिव कि ये बैंकों की सेवाएं जो हैं गांव से गांव, दूर दराज इलाकों में पहुँचें, गांव से गांव ये लोगों को सेवाएं इनकी मिलें। आज गांव से गांव में देखिए, किसी भी इंटीरियर में चलिए आपको कहीं कोई प्राइवेट बैंक नहीं मिलेगा, सिर्फ नेशनलाइज बैंक की ब्रांचें मिलेंगी, PNB, स्टेट बैंक, इनकी ब्रांचें आपको मिलेंगी। आज गवर्नमेंट का ये मूव जो है ये समझ नहीं आ रहा, ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं। लास्ट ईयर जो बैंकों का, नेशनलाइज बैंकों का जो मैं सिर्फ बताऊंगा, पिछले 10 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 90 लाख करोड़ से 1,76,000 करोड़ इनका जो प्रॉफिट चला गया है ये नेशनलाइज बैंक ने दिया है। गवर्नमेंट के अगर ये नेशनल बैंक जो अगर घाटे में चल रहे हैं तो इनके खरीदार क्यों हैं, इनको खरीदने क्यों चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इनको खरीदना क्यों चाहता है, और अगर ये प्रॉफिट में है तो इनके गवर्नमेंट को बेचने की, तो ये हमारी समझ से बाहर है। वो विश्वास जो रहता है वो ज़्यादा विश्वास, अगर कोई अकाउंट खोलेगा वो कहता मैं SBI में खुला लूँ जी, PNB में खुला लूँ, JK बैंक में खुला लूँ, उनको विश्वास ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू प्राइवेट। अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंकों के कंपैरिजन में लोगों को विश्वास आता है। अभी आपके सामने रिसेंट 2 साल की एग्जांपल्स लीजिए, आपके 2 प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स आपके हैं PMC बैंक, और रिसेंटली आपने यस बैंक का हाल देखा क्या हुआ है। 2 इंडस्ट्रीज मिले हैं सिर्फ, HDL DHFL मिले हैं, और इनके देखो उद्योगपतियों ने इस बैंक का क्या हाल किया। अल्टीमेटली इस बैंक को सेव करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ही सामने आए हैं। आज LIC को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये प्राइवेट बैंक्स उद्योगपति को जो कि हाथ की कठपुतली हैं, जिनके हाथ में ये बैंक चल के इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उद्योगपति हैं, ये अपनी पॉलिसीज खुद लागू करते, इन गरीब को सेवाएँ कौन देगा? क्या ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स गांव गांव दूर दराज इलाके ले लद्दाख करगिल शरगोल वगैरह इलाके में जाके अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे? नहीं, वहां पे नेशनलाइज बैंक ही जाते हैं। जहां तक नेशनलाइज बैंक का सवाल है, इन्होंने गवर्नमेंट की हर स्कीम को, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हो, अटल पेंशन योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, आधार लिंकेज हो, गैस सब्सिडी हो, किसानों की जो इनको डायरेक्ट बेनिफिट दिए हैं जो 2,000 रुपये इनके, ये लोग कोविड के दौरान भी इन्होंने इन लोगों को सेवाएं दी हैं अपनी, और कभी को बैंकों ने कुछ अपना छुट्टी वगैरह इसमें बंद नहीं रखे हैं। सरकार के दफ्तर आज भी बंद है, लेकिन बैंक्स को आप देखिए आज भी पूरे चल रहे हैं, सरकारी बैंक्स पूरे के पूरे उसमें वर्क करते हैं। ये गरीब से गरीब लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, गरीब से गरीब लोगों के ये छोटे छोटे लोन, छोटे छोटे लोन 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, गरीब लोगों को ये लोन देते हैं और उनका जो है इकोनॉमी को आगे फ्लोरिश कर रहे हैं। ये मैं समझ नहीं पा रहा कि गवर्नमेंट का इस मूव का गवर्नमेंट चाहती क्या है। आज से साल पहले गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, RBI से 1,76,000 करोड़ रुपया लिया था, जो CRR और SLR का बैंकों का रखा हुआ था, विड्रॉ किया था। ये फंड्स जो होते हैं ये बड़ी एक्सीजेंसी, एक्यूट एक्सीजेंसी में निकाले जाते हैं जबकि वार लाइक सिचुएशन हो। अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं पता चला वो पैसा गया कहां अल्टीमेटली। तो हमने इस गवर्नमेंट के इस मूव को कंडेम करते हैं, इस मूव को अपोज करते हैं। आगे हमारा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम आ रहा है और 16-17 मार्च को अगर हमको मजबूर किया गया तो हम इसकी हड़ताल की काल और हम हड़ताल पर जाएंगे। इसके लिए साफ तौर पर आप सुनिए किस तरीके से, हालांकि आज की डेट में नलकों की बात कीजिए, पानी चाहिए प्राइवेट होने की तैयारी है, बिजली प्राइवेट होने की तैयारी है, बैंक प्राइवेट होने की तैयारी है, तो फिर वोकल फॉर लोकल लगातार बातें की जा रही हैं। देखिए देश में रहिए, देश को आगे बढ़ाना है तो रोज़गार यहाँ के नौजवान की पीढ़ी को मिलना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ ऐसा कीजिए जो यहाँ के जो आजकल के यूथ है वो आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हुए। और कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें की जाती हैं ये दोहरी बातें समझ नहीं आती। एक तरफ आप बात करते हो भाई वोकल फॉर लोकल, दूसरी तरफ हर चीज़ को प्राइवेट करने की तैयारी में लगे हो, ये कहीं ना कहीं हित में नहीं है। पवन जी आपसे भी बात करेंगे, क्यों इस समय अगर देखा जाए आपको लगता है कि जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं बिना लोगों को उनका विश्वास साथ में लेके हुए? आप एक ऑर्डर निकाल दीजिए, हाँ भाई आप 2 बैंक होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं, कल को 40 हो जाएंगे जी। ये तो अच्छा है कि आप तमाम लोग शुरुआती दौर में ही इकट्ठा हो चुके हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, इंतज़ार नहीं किया कि कब गाज बाकियों पर भी गिरे। क्या लगता है कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट जो है कर रही है और कितना नुकसान आने वाले दिनों में जो है आम जनता को भुगतने का मिलेगा? राहुल जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे अटेंड करने पहुँचे। इसमें मैं कुछ एक दो पॉइंट्स रखना चाहूँगा, कुछ एक दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। आप देखिए आज देश में जो है वो एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो चुका है, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे आप जो है वो शाम को कोई ऑर्डर आ जाता है, सुबह दूसरा ऑर्डर आ जाता है, अगले दिन शाम को तीसरा ऑर्डर आ जाता है। कोविड का दौर है, यहाँ पे लोगों को जो है रोज़गार का कितना मसला है, रोज़गार है नहीं है। जो ऑलरेडी जिन लोगों की जॉब लगी हुई है अब वो जॉब भी गवर्नमेंट जो है वो छीनने पर आ चुकी है।
प्राइवेटाइजेशन का हवाला क्यों दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? गवर्नमेंट कहती है कि ये नॉन परफॉर्मिंग बैंक्स हैं, ये बैंक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इनसे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। प्राइवेट हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस निकल जाएगी। तो ये चीज समझनी होगी हमें कि पहले तो हमें रोल समझना होगा। जब 1969 में नेशनलाइजेशन की गई बैंक्स की, तो आखिर वो क्यों की गई? उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो गरीब तबके तक हर एक पर्सन को बैंकिंग की सुविधा मिले। और गवर्नमेंट की स्कीम्स, बिकॉज हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी। ये मेरी समझ से बाहर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी आ रही है वो उस तरीके से बन के आ रही है जैसे हम एक डेवलप्ड कंट्री हूँ, जैसे हमारी पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी हो, जैसे हमारी GDP बहुत अच्छी हो। यहाँ पे आज की डेट में भी 40% से ज़्यादा लोग जो है वो एक टाइम का खाना खाते हैं, लोगों के पास आय का कोई स्रोत ही नहीं है। और यहाँ पे मैं फिर उसी पे आऊँगा कि बैंक्स का रोल क्या था, बैंक को प्राइवेटाइजेशन क्यों की जा रही है, प्रॉफिट के हवाले से की जा रही है, प्रॉफिट नहीं है। तो जब ये बैंक्स जो है 1969 में नेशनलाइज किए गए, विद द टाइम यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई है, लोगों के अकाउंट्स खुले हैं, लोग जो है लोगों के डोर स्टेप पे बैंकिंग है। कहीं ना कहीं जो है अगर हमारी हम बात करें प्रॉफिट्स क्यों नहीं है, तो ये सारे जितने कॉरपोरेट लोन्स हैं, मेजर जो आप देखेंगे फ्रॉड्स हुए हैं या बड़े बड़े लोन्स जो खराब हैं, कॉरपोरेट लोन्स खराब हैं। कॉरपोरेट लोन्स, मोस्ट ऑफ दी कॉरपोरेट लोन्स जो हैं वो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से ही होते हैं। ये आम जनता को समझने की ज़रूरत है। आज जो है आम जनता हमसे ये चीज़ नहीं समझ पा रही कि दो बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो फ़र्क हमें तब पड़ेगा जब, अगर वो फ़र्क हम देखना चाहें तो हम किसी प्राइवेट बैंक में एंटर करके देखें। आप किसी प्राइवेट बैंक से कोई लोन लेके देखें, आप प्रीपेमेंट नहीं कर सकते, आप 10,000 से कम बैलेंस ही नहीं रख सकते, आप अंदर ही नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो क्या हम उस, क्या हमारे एक आम इंसान की उतनी इनकम है कि वो उतना अफोर्ड कर सके, 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रख सके? हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि चलिए जी हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल कंप्लीट हो चुका है, सारे लोगों के अकाउंट्स खुल चुके हैं और हमारे पास बहुत पैसा है, तो फिर क्या ज़रूरत थी पिछले 2 साल में जब 29 करोड़ जो है अनबैंक्ड लोगों को जब बैंकिंग दी गई, 29 करोड़ अकाउंट्स जनधन में खोले गए, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? और उसमें आप अगर हम देखें, जैसे विशाल जी ने कहा, उसमें भी 28 करोड़ प्लस अकाउंट जो हैं वो नेशनलाइज्ड बैंक्स ने खोले हैं और वो सारे अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट रहते हैं, उसके बैंक्स को चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सरकार को जो है ये बेचने के अलावा इनको स्ट्रेंथन करने का सोचना चाहिए। और अरोड़ा जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं, या तो नेशनलाइज बैंक्स परफॉर्मिंग नहीं है, कमज़ोर हैं, तो फिर भाई इनको खरीदना कौन चाहता है? राइट। कमज़ोर चीज़ को कौन खरीदना चाहता है? और अगर ये परफॉर्मिंग हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इनको बेचा क्यों जा रहा है? तो सरकार अपनी ही चीज़ों में उलझ चुकी है और ये जो आने वाला दौर है ये अच्छा नहीं है। और हम इसकी जो है कड़ी मजम्मत करते हैं, हम इसके खिलाफ अभी तो हम 1 डे धरना पे हैं, ऑल इंडिया हमारी इस पे कॉल है। आने वाले टाइम में हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हम उतरेंगे, हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हम करेंगे, लेकिन हम प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जिस तरीके से बड़े पॉइंट ऐसे हैं जो बारीकी से जो है वो आम जनता तक पहुंचे, खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो फिर क्यों प्राइवेट किया जा रहा है, वो तैयार है खरीदने को, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर बेचा क्यों जा रहा है? तो अपने सवालों में खुद ही सरकार उलझी हुई नजर आ रही है। अभी तो 2-4 के नाम आए, ना जाने आगे कितने और नाम आए। एक दिहाड़ीदार बंदा वो नेशनल बैंक पर जितना विश्वास करता है वो प्राइवेट पर नहीं करता। एक दिहाड़ी वाला बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक 200-300 रुपया कमाई लेकर जाता है, क्या वो अपना 200-400 की कमाई में अपना परिवार पालेगा, अपने बैंक में मिनिमम 10,000 रुपया जमा करवाएगा जैसे प्राइवेट बैंक की पॉलिसीज हैं? क्या एक दिहाड़ीदार बंदा, ऑटो ड्राइवर हो, रेडी वाला हो, फ्रूट वाला हो, सब्जी वाला हो, ये बंदे जो हैं क्या प्राइवेट बैंक में जाकर वहाँ पर खाता भी अफोर्ड कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, आपकी राय हमारे लिए सर्वप्रिय है। जुड़े बसेस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए। Ensure Urban Farming's presence first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।